अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच रविवार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को चेतावनी भी दी गई कि यदि किसी छात्र के खिलाफ FIR हो जाती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ सेना में अग्निपथ योजना के विरोध के बारे में कहा कि इस योजना को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। सैन्य मामलों विभाग के अतिरिक्त सचिव अनिल पुरी ने कहा कि यह योजना काफ़ी विचार और विमर्श के बाद लाई गई है। पिछले 2 वर्षों से इस पर विचार विमर्श चल रहा था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेना में युवाओं को और अधिक ताकतवर बनाना। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। सभी अग्निवीरों को आम जवानों की तरह ही सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज की तुलना में अग्निवीरों को कहीं ज़्यादा अलाउंस और सुविधाएं भी देने का उद्देश्य इस योजना में निहित है। इसी के साथ सेवानिवृत्ति के सवाल पर अनिल पुरी ने कहा कि हर वर्ष 17,600 जवान सेना से रिटायर्ड होते हैं, लेकिन उनके भविष्य के बारे में आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के भविष्य के लिए सोच समझकर उठाया गया कदम है। वहीं सेना ने तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया करने की तारीखों का भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान भी कर दिया। थल सेना ने कहा कि उसकी भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वहीं वायुसेना की भर्ती के बारे में स्पष्ट किया गया कि वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया भी 24 जून से प्रारंभ कर दी जाएगी। नौसेना की भर्ती प्रक्रिया 25 जून से शुरू होने वाली है। इसी दौरान आपको बता दें, भारतीय नौसेना की ओर से स्पष्ट किया गया कि 21 नवंबर से पहला नौसैनिक अग्निवीर बैच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट INS सिल्का उड़ीसा में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अग्निवीरों को जाने की अनुमति होगी। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में विभिन्न भारतीय नौसेना के जहाजों पर 300 महिला अधिकारी तैनात हैं। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि हमने तय किया है कि अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं की भी भर्ती होगी, जिन्हें युद्ध पोतों पर तैनात किया जाएगा। वहीं स्पष्ट किया गया कि देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच यदि किसी छात्र का नाम इसमें FIR में दर्ज हो जाता है तो उसे तीनों ही सेनाओं में भर्ती का मौका नहीं दिया जाएगा। अनिल पुरी ने कहा कि देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा भी मिलेगा। अग्निवीरों को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों में जो सुविधाएं और भत्ते वर्तमान में मिल रहे हैं उसी की तर्ज पर इस योजना के बाद भी दिए जाएंगे। सेवा शर्तों में इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है कि अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने रविवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका मुख्य उद्देश्य था कि अग्निपथ योजना के फायदे क्या हैं और किस प्रकार से ये इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, इसके बारे में युवाओं को, देश के नागरिकों को विस्तार से इसकी जानकारी देना था। क्योंकि सरकार के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाने से पहले ही अग्निपथ योजना को लागू किए जाने के बाद देश भर में काफ़ी इसका विरोध हो रहा था और कई जगह हिंसक घटनाएं भी घटित हुई, जिसके को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों सेना प्रमुख के द्वारा की गई। आपको बता दें, इसके अंतर्गत 17 से 21 वर्ष तक के जो युवा हैं उनका चयन किया जाएगा, लेकिन वर्ष 2022 के लिए इसमें 2 साल की छूट है, क्योंकि 2 वर्ष से जो लॉकडाउन था जिसमें जो युवा तैयारी कर रहे थे उन्हें 2 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया, लेकिन इसके बाद अग्निवीर बनने की जो आयु सीमा है वो 17 वर्ष से 21 वर्ष के बीच ही रहेगी। इसी बीच देश भर में असम राइफल्स और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है और कई राज्यों की पुलिस में भी इनको आरक्षण देने की बात कही गई है कि इन भर्तियों में आगे से अग्निवीरों को ही लिया जाएगा। तो इसे लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तीनों सेना प्रमुख की, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि
अग्निवीर जो बनाए जाएंगे उनको विशेष ब्रिज कोर्स के माध्यम से 12वीं का प्रमाण पत्र भी दे किया जाएगा। अग्निपथ योजना के बारे में आप विस्तार से और भी जान सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज की इस वीडियो में साथ ही मित्रों, नमस्कार।